Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel Math by Sir MK. In this video you will learn about types of set. Number 12 universal set and 13 overlapping set. इस वीडियो में आप यूनिवर्सल सेट और ओवरलैपिंग सेट के बारे में पढ़ेंगे. इससे जो पिछली चार वीडियोस थी उसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेट भी पढ़ाया और बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेट भी पढ़ाया. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख लें और उसके बाद इस वीडियो को देख के अपने कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करें और बी एक्सपर्ट बने. विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि है यूनिवर्सल सेट. तो हम डिस्कस करते हैं यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन और इसको कैसे जाहिर करते हैं और ओवरलैपिंग सेट और डेफिनेशन. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल आपको जैसे क्लियर हो रहा होगा कि यूनिवर्सल यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स. यूनिवर्सल में क्या चीज़ नहीं आती, हर चीज़ आ जाती है. ऐसा सेट जिसमें हर चीज़ आ जाए यानी कि हर एक दूसरे सेट का मेम्बर आ जाए उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं. डेफिनेशन से फर्दर इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं. अ सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स मेंबर ऑफ अदर सेट्स एंड ऑल अदर सेट्स शुड बी सबसेट ऑफ इट. ऑल अदर सेट्स शुड बी सबसेट ऑफ इट. मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें दूसरे सेट्स के सारे एलिमेंट मौजूद होते हैं लेकिन जो दूसरे सेट होते हैं वो उसके सबसेट होते हैं. अगर सबसेट के बारे में आपको नहीं पता तो पिछली वीडियो थी मैंने उसमें सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट प्रॉपर सबसेट के बारे में बताया. तो इसको डिनोट किससे करते हैं, हम इसको डिनोट हम कैपिटल यू से करते हैं, ठीक है. और इसके अलावा ये बोल रहा है कि एंड ऑल अदर सेट्स शुड बी सबसेट ऑफ इट, दूसरे सेट इसके सबसेट होने चाहिए. तो एक फॉर एग्जांपल एक सेट है यू, इसमें है 1 2 3 4 5 अप टू सम 10 तक मेंबर्स हैं. दूसरा सेट है हमारे पास ए जिसमें 1 2 3 4 है और दूसरा सेट एक हमारे पास है बी जिसमें 2 और 3 है. तो एक हिसाब से देखें तो हमारे पास छोटा सेट क्या है, हमारा ए और बी छोटे सेट हैं और बड़ा सेट हमारे पास क्या है, यू है. तो हम कह सकते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ यू. तो अगर ये ए एंड बी सबसेट हैं यू के तो हमारा जो यू होगा वो क्या होगा, यू इज़ यूनिवर्सल सेट ऑफ ए एंड बी. यू हमारा यूनिवर्सल सेट होगा ए एंड बी. इसका मतलब है कि यूनिवर्सल सेट हमेशा बड़ा सेट होगा. तो ये थी यूनिवर्सल सेट के बारे में इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट. अब आते हैं हम ओवरलैपिंग सेट के बारे में. ओवरलैपिंग सेट्स, अभी ओवरलैपिंग सेट एक नहीं होगा, आपके पास अगर दो सेट होंगे तो वो ओवरलैप होगा, ठीक है. डेफिनेशन से देखते हैं, टू और मोर सेट्स आर सेड टू बी ओवरलैप सेट इफ़ दे हैव एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट या मेंबर. ऐसे दो सेट जिनको हम ओवरलैपिंग सेट कहेंगे अगर उनमें एट लीस्ट एक कॉमन एलिमेंट या मेंबर हो. इट इज़ डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं हम, इस डायग्राम से डिनोट करते हैं, ठीक है. इस डायग्राम से हम इसको डिनोट करेंगे कि ओवरलैप हो रहा है या नहीं हो रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल सेट हमारा है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और दूसरा एलिमेंट है मतलब सेट है बी जिसमें 4 5 6 7 8. तो टू सेट और मोर सेट आर सेट टू बी ओवरलैपिंग कह सकते हैं इफ़ दे हैव एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट. अगर उन दोनों में एट लीस्ट एक तो कॉमन एलिमेंट होना चाहिए. कॉमन का मतलब है सेम एलिमेंट, उसमें एक सेम एलिमेंट या एक से ज़्यादा भी सेम एलिमेंट होंगे तो हम कह सकते हैं कि ये दो सेट हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं. जैसे हमारा सेट ए था उसमें था 1 2 3 1 2 3 और 4 भी था और सेट जो हमारा बी था उसमें 4 5 6 7 8 ये भी था लेकिन इन दोनों में सेम जो एलिमेंट था उसको मैंने बीच में लिख दिया कि ये जिसमें जो 4 है वो ओवरलैप कर रहा है, इन दोनों में आ रहा है, सेम है, कॉमन है, ठीक है. तो ये लेक्चर था आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए यूनिवर्सल सेट और ओवरलैपिंग सेट्स के बारे में. अगर इससे पहले जो मेरी चार लेक्चर्स हैं सेट के रिलेटेड बेसिक अगर वो आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में उनकी सारी वीडियोस हैं और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूँगा, जाके देख लें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, बी एक्सपर्ट बने इन मैथ. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी रिलेटेड होगी